जोश के साथ और अपार जन समर्थन के बीच आंध्र प्रदेश पहुंचा है। नागपुर की सभा कल ऐतिहासिक रही और अभी तक के इस यात्रा के दौरान जो आंध्र प्रदेश में प्रवेश के पश्चात जो जन समर्थन दिखा, स्वाभाविक तौर से भ्रष्टाचार कालेधन का विषय तो निश्चित तौर से था, लेकिन जो सिद्धिपेट में जनसभा हुई और जो अभी जनसभा चल रही है, आंध्र प्रदेश के इतिहास में अपने आप में ये सभा अविस्मरणीय रहेगा। और ये सिर्फ इसके साथ भ्रष्टाचार और कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा ही नहीं, ये तेलंगाना के सवाल पर भी एक बड़ा जन समर्थन दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले भी मांग की थी और अभी भी उस मांग को फिर से श्री लालकृष्ण आडवाणी ने दोहराया है और ये कहा है कि अगले सत्र में जो नवंबर माह में प्रारंभ होगा उस सत्र में तेलंगाना का बिल पेश किया जाना चाहिए। हम इस मांग को फिर से दोहरा रहे हैं और जगह जगह जो तेलंगाना का समर्थन है, जो लोगों में गुस्सा भी है और इस आंदोलन को लेकर समर्थन भी है, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के चेतना यात्रा में ये पूरी तरह से उजागर हुआ है। हम सरकार को कहना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश की जनता के साथ अब कोई धोखे की गुंजाइश नहीं है। इट्स एन अपील टू द गवर्नमेंट दैट दे कैन नॉट हुडविंक और बुलडोज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, द पीपल डिमांडिंग द स्टेट ऑफ तेलंगाना। द प्रेजेंट मीटिंग विच इज बीइंग हेल्ड इन सिद्धिपेट इन आंध्र प्रदेश is overwhelming. It's a historic public meeting and the leader of the Bharatiya Janata Party, Mr. Lalkrishna Advani, has reiterated that the bill for Telangana should be positioned in the parliament in the forthcoming winter session. The government cannot keep on hoodwinking the people of Andhra Pradesh. It's a commitment and the commitment has to be met. The Bharatiya Janata Party will fully support the bill for Telangana. And I can tell you that though at various occasions some media people keep questioning the yatra, I think it's far beyond expectations. And the support and the excitement in the people is certainly an indication of things to happen in the future. इसका ट्राइपॉड खराब है। मेरा जटा टच कर दिया। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले जब देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश आ रहे थे तो उनके वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उस यात्रा में उनका साथ देने से इनकार कर दिया और तीस्ता के सवाल पर उनके साथ बांग्लादेश नहीं गई। इन द सेम बैकड्रॉप इन विच ममता बनर्जी हैड गिवन अ स्लिप टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज विजिट टू बांग्लादेश, इट्स जस्ट नॉट दैट एक्शन ऑफ मिस ममता बनर्जी टू स्लिप, it's also an indication of many things which are forthcoming. और आज जिस प्रकार से देश के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जिनका सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व है और उनकी योग्यता कोई मनमोहन सिंह जी से कोई सोनिया जी से कम नहीं है, उन्होंने एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर एक अखबार के प्लेटफॉर्म पर कुछ टिप्पणियां की हैं। एनसीपी के नेता शरद पवार ने कल कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो राजनीतिक नहीं था। एंड मिस्टर शरद पवार हैज एक्नॉलेज्ड
that the government is seized with series of scandals. It has suffered loss of public opinion, which has completely eroded the authority of the UPA. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के कई स्कैंडल्स हैं, आरोप हैं, जनमानस का उन पर से विश्वास उठा है और इस सरकार की पूरी तरह से विश्वसनीयता, यूपीए 2 की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और आश्चर्य का विषय है कि वो स्वयं एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और फूड मिनिस्टर है, उनके ऊपर दायित्व है जो सरकार यूपीए में फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रही है या फिर कृषि में सब्सिडी की बात कर रही है। उन्होंने अपने ही सरकार का, यूपीए के सरकार के इन योजनाओं को पॉपुलिस्ट करार दिया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे देश के विकास की गति बाधित होगी। मिस्टर शरद पवार हैज वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट द स्कीम्स ऑफ द यूपीए of which he is a part is populist and would adversely affect the development of the country, and this issue has been raised by none other than the food minister of the country himself and said that such projects hurt development. But another very important question, and that needs to be addressed, and the question comes straight to the Prime Minister: why has the Prime Minister stopped intervening? सरकार में, इस सरकार में क्यों प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण विषयों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया? Why has it stopped his intervention? Or is it a fact that he has questioned that the Prime Minister is not in charge of the government? इस सरकार के कंट्रोल में नहीं है? And he has said, which is very dangerous for the country. There is an absence of a strong central government. मुझे नहीं लगता है कि पिछले 7 वर्षों में किसी केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही सरकार पर इतने सारे सवाल खड़े किए। And he has also said that the failure of the government has admittedly created a space for Supreme Court, the judiciary, and other organs of the society, the civil society as well. Well, he has gone in other issues of subsidy, which possibly is a major issue. He has a viewpoint of that. But the most notable in his statement is a praise for Narendra Modi. He's called him a reformist. He said that he welcomes ideas, he has innovations. And for that, he says that there is one state in the country, and he has taken the name of 2 chief ministers for that matter. Unfortunately, both of them happen to be NDA partners. One is Mr. Nitish Kumar, where he has admitted that law and order has considerably improved in Bihar. For those who know Bihar, for those who belong to Bihar, I am from Bihar, I can vouch for that. That was one of the most important issues. This acknowledgement by Mr. Nitish Kumar, by Mr. Sharad Pawar of Nitish Kumar is another endorsement of an NDA government. उन्होंने दो सरकारों के बारे में विशेष तौर से कहा है और सौभाग्य का विषय ये है कि दोनों सरकार NDA की सरकार है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर किसी कांग्रेस शासित राज्य का उल्लेख नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी इनोवेशन का, नए आविष्कारों का बड़े समर्थक हैं, उसका उस गुजरात प्रांत को लाभ हुआ है, शरद पवार का ऐसा मानना है। और शरद पवार ने अपने उल्लेख में यदि दूसरे किसी राज्य का जिक्र किया है तो वो बिहार है और नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है, जहां उन्होंने विधि व्यवस्था की चर्चा की है। जो लोग बिहार से जुड़े हैं, जो लोग बिहार को जानते हैं, वो इस बात को पूरी तरह से स्वीकारेंगे कि बिहार की विधि व्यवस्था ने वहां का पूरा दृश्य बदल दिया है और विकास की गति का जो ट्रैक है, जो पथ है, वहां राज्य के कानून व्यवस्था के सुधार के साथ साथ उसमें भी सुधार आया है। Well, the question which the BJP would like to raise here is,
Is the UPA government now facing the heat of its alliance partners?